हम लोग आज मॉडर्न चालू करते हैं, ठीक है? क्या मॉडर्न आवाज जा रहा है सभी लोग के पास? अच्छे से बोलिए। आप लोग को पीछे से कोई प्रॉब्लम है बोलिए जल्दी से, कोई डाउट पूछना है तो बताइए। कोई डाउट नहीं, देखिए हम लोग मॉडर्न चालू करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना वो समझ लीजिएगा। मॉडर्न फिजिक्स देखिए, मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले बहुत सारा चैप्टर्स पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है आपका चैप्टर जो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। रेडिएशन दूसरा टॉपिक पढ़ना है आपका, दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है एटम। तीसरा जो पढ़ना है जिसका नाम है न्यूक्लियाई। चौथा जो पढ़ना है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इट्स डिवाइस भी कह सकते हैं। इसमें लॉजिक गेट वगैरह आप लोग को देखना है। और सबसे लास्ट में है जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है। ये पांच चैप्टर पढ़ना है आपके सिलेबस। अगर जेई एडवांस की बात किया जाए, किसका जेई एडवांस में, तो मात्र ये तीन टॉपिक है आपका जेई एडवांस का सिलेबस में। जेई एडवांस में मात्र आपका यही तीन टॉपिक पढ़ना है सिलेबस में। अगर बोर्ड का बात किया जाए, सीबीएसई बोर्ड या बोर्ड के जो भी है बात किया जाए, तो हाँ यहाँ तक पढ़ना है आपको। कहाँ तक? चौथा नंबर चैप्टर तक, ठीक है? यानी 1, 2, 3, 4। और नीट और जेई में आपको पांचों चैप्टर पढ़ना है नीट और जेई में। अब अगला साल सिलेबस चेंज होगा तो क्या हो सकता है पता नहीं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक से कम्युनिकेशन हटा दिया गया है ना? तो हो सकता है ये दोनों भी अपना सिलेबस चेंज कर दे, लेकिन अभी तक फिलहाल जो है यहाँ तक है। यानी कि आपको टॉपिक क्या हो समझ लीजिए, यहाँ से बोर्ड में लगभग 20 से 22 नंबर यानी 20 to 22 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है, समझ लीजिए चार चैप्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, केमिस्ट्री का जैसा पार्ट है इसमें, है ना? जेई एडवांस में इस तीनों से मिला के 2 या 3 प्रॉब्लम। और जिस बच्चा से यहाँ का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर इसमें और कहाँ का क्वेश्चन बनाइएगा। नीट में इस चार चैप्टर से, कम्युनिकेशन जनरली बहुत कम ही आता है, नहीं आता है, ये चार चैप्टर से मिला करके कम से कम 8 से 10 प्रॉब्लम, मिनिमम 8 से 10 तो रहेगा ही हर हाल में, जो कि सारा क्वेश्चन हर हाल में बनेगा आपसे, बहुत ईजी बहुत आसान होगा। जेई मेन में भी जो पूछा है, अभी जो पूछा है, अभी जो एग्जाम हो रहा था 21 तारीख को हुआ है, 23 को हुआ है, फिर 25 को है, तो इन सभी में भी एग्जाम में देखिएगा ये सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। यानी कि फिजिक्स का सबसे आसान अगर कोई टॉपिक है तो यही सब है, जहां से कंपटीशन और बोर्ड में बहुत आसानी से स्कोर किया जा सकता है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ेंगे। तो देखिए ये टॉपिक में क्या क्या स्टडी करना है, क्या क्या समझना है, उसको समझते हैं हम लोग बहुत बारीकी से, बहुत आसानी से। देखिए अगर बात करें इसमें अच्छे से, तो सबसे पहले ड्यूअल नेचर में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन इमिशन। मतलब ड्यूअल नेचर एनसीईआरटी में नाम है ड्यूअल नेचर, है ना? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, है ना? इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है जो आपको इलेक्ट्रॉन इमिशन पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन
इलेक्ट्रॉन इमिशन, है ना, इलेक्ट्रॉन इमिशन। देखिए इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात यहाँ पर हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो एक बात समझ लीजिए, जो सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ाए हैं बताए हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें क्या होता है ना, कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उसी के चलते, कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी के चलते सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क करता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक जो आपका मोबाइल है, ये सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, उसमें अगर कंट्रोल करंट फ्लो हो रहा है वही उसका फंक्शन है। तो कंट्रोल फ्लो के लिए आपको इलेक्ट्रॉन इमिशन करके डाला जाएगा किसी सिस्टम, तो वही सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन इमिशन शुरुआत हुआ था उसमें था थर्मोनिक, जो हम लोग यूज करते थे कहाँ, इंस्ट्रूमेंट में, तो थर्मोनिक इमिशन। ऐसे इलेक्ट्रॉन इमिशन जनरली क्या होता है तो आप लोग बताइएगा, हम जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। गौरव आप बताइएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन ऐसा एलिमेंट है जो सबसे पहले क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे, बताइए। जब इसका केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, हाइड्रोजन बोलिए। अच्छा प्रियांशी आप बताइए, कौन ऐसा एलिमेंट है जो सबसे फास्ट तुरंत इलेक्ट्रॉन देता है, ये बताइए। हाइड्रोजन। चलिए सलोनी आप बताइए, सीजियम। तो वही होता है, देख लिए ध्यान से, अगर नहीं पता है तो जो सबसे मेटल होगा सबसे अच्छा वही इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा। तो मेटालिक प्रॉपर्टी जो है पीरियोडिक टेबल में आपका इधर से इधर बढ़ता है, मेटालिक प्रॉपर्टी याद कीजिए, यानी इलेक्ट्रोपोजिटिविटी जिसको कहते हैं, है ना, मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टी। देखिए केमिस्ट्री ही पढ़ाना है, टेंशन मत लीजिए। मेटालिक प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रोपोजिटिविटी जो है ये ऑर्डर होता है आपका पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए आने की इधर सबसे पहला ग्रुप और उसमें सबसे नीचे, तो देखिए सबसे नीचे जो होता है आप लिखते हैं ऐसे, ऐसा लिखते हैं, इन एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो न्यूक्लियस से ही कुछ कुछ निकालते रहता है, इसलिए उसको नहीं लेते हैं। तो सीजियम जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट है, यानी इलेक्ट्रोपोजिटिव इसका सबसे ज्यादा नहीं, तुरंत इलेक्ट्रॉन को आपका क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ये सेकेंड मोस्ट जो होगा, इसके सामने एक बेरियम है वो होगा, मतलब इस ग्रुप का सेकेंड लास्ट। बात याद रहेगा आप लोगों को कि भूल जाइएगा, यानी कि ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है ना मेटल सर्फे, ऐसे भी नॉन मेटल से जनरली आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, जैसे फ्लोरीन तो कभी इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, जिसका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इमिशन का जो प्रॉपर्टी है हम लोग कहाँ से देखेंगे, हम लोग देखेंगे मेटल पर से, यानी उस वही आपके सिलेबस में भी है। यानी कि सिंपल सा बात समझ लीजिए, अगर इतना बात समझ में आ गया होगा तो कॉपी में नोट्स तो आप बनाएंगे, उस समय फिर सब ऐड करते जाएंगे दोबारा जो भी देखना होगा। लेकिन सबसे पहले मैं यही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रॉन इमिशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो सीधा सीधा अगर लिखना है तो लिखेंगे द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ मेटल, फ्री सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज क्या, इलेक्ट्रॉन इमिशन। उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं, है ना।
इसमें सबसे पहले जो आया, इसमें बहुत तरह के इलेक्ट्रॉन होता है, एनसीईआरटी में दो तीन दिया है, हम चार बता रहे हैं। एक है सबसे पहले थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक इमिशन। इसमें कहता है थर्मियोनिक इमिशन में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होगा ड्यू टू हीट एनर्जी, यानी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लिख सकते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के कारण अगर कोई इलेक्ट्रॉन इमिशन हो जाए तो उसको कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। तो हीटिंग इफेक्ट कैसे, क्या कहीं आग लगा दीजिएगा उसके बाद आप निकाल दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए देखिए एक बात बताते हैं, यहाँ पर एक टर्म है, उस टर्म को समझने की कोशिश कीजिए। आपको इलेक्ट्रॉन इमिशन करवाना है मेटल सर्फेस से, तो हीटिंग कहाँ से करवाइएगा, हीटिंग करवाना कहाँ से है। तो आप एक बात समझ जाइए, एक बल्ब का फिलामेंट ले लीजिए, किसका फिलामेंट ले लीजिए, बल्ब का एक फिलामेंट ले लीजिए आप, ठीक है, इस बल्ब का फिलामेंट ले लिए है। आप बताइए बल्ब का फिलामेंट कौन सा मटेरियल से बना होता है, आप लोग जानते हैं कोई? टंगस्टन सर। उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? मेल्टिंग बोलिए बोलिए, बोल गए सर, लगभग 3800 डिग्री, 3800 के आसपास होता है। आप बताइए बल्ब कभी फ्यूज होता है कि नहीं? होता है सर। तो होता है, इसका मतलब उस समय इसका टेम्परेचर क्या हो गया, 3800 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तब ना फ्यूज होगा। तो आप बात समझिए, क्या 3800 डिग्री टेम्परेचर आप कहीं भट्टी में आग लगा के दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाया जाएगा इस मेटल से, तो टंगस्टन के फिलामेंट पर बेरियम ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट डाल दीजिए, ये फिलामेंट हीट होने लगेगा, और ये फिलामेंट तो 1.5 वोल्ट के बैटरी से भी हीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका बड़ा बैटरी ही चाहिए, तो हीट होगा तो आपका क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन इमिट कर देगा, इसके इलेक्ट्रॉन फ्री सरफेस पर आ जाएगा। और ऐसे भी बेरियम ऑक्साइड का इसमें आपका लेप चढ़ाया रहता है, यानी कहने का मतलब है कवरिंग किया रहता है इसको। अब इसके बाद बताइए, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, इसको स्पीड भी देना हो तो स्पीड देने का वो टेक्निक लगाया गया। वह टेक्निक क्या लगाया गया कि यहाँ पर प्लेट लगा दिया गया कुछ ज्यादा ही पोटेंशियल वाला, जिसको कहते हैं, और यहाँ प्लेट लगाने के बाद सामने प्लेट में वो होल, ये प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, देख ली ध्यान से, ये पॉजिटिव, ये है लो टेंशन, मतलब इसका वोल्टेज बहुत कम है, और ये हाई टेंशन, इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा इस पॉइंट का है, इस बात को समझ लीजिए। अब यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, ये थोड़े स्पीड में देगा, तो स्पीड में देने के लिए देखिए यहाँ प्लेट पोटेंशियल जो है यहाँ लगा दिया गया है। अब ये प्लेट का इधर पॉजिटिव प्लेट है ये, तो जब पॉजिटिव प्लेट है तो इस इलेक्ट्रॉन को बहुत स्पीड से खींचेगा, बहुत तेजी स्पीड से खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है को इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फ्री हो चुका है, प्लेट है सिर्फ पॉजिटिव, तब पॉजिटिव प्लेट है तो इसको पुल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होगा, और तब ये यहाँ से स्पीड में दौड़ना शुरुआत होगा, और इलेक्ट्रॉन इस होल से पार कर जाएगा इधर, और वह वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि वेरी हाई स्पीड होगा। और इस पूरा डब्बा को अगर बंद कर दिया जाए ऐसे, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं, इस बात को समझ लीजिए, इसी का नाम है इलेक्ट्रॉन गन। ये इलेक्ट्रॉन गन का फिगर हो गया, बात समझ के रखिएगा जल्दी से समझ करके, यानी ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन गन का फिगर हो गया, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब बताइए एक क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो मैं पूछता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जब भी कैथोड रे, एनोड रे या कोई एक्सपेरिमेंट इस तरह का किया जाता है, तो एक डब्बा में बंद कर दिया जाता है, ये बात पता होगा आपको, एक ट्यूब में बंद कर दिया जाता है,
और ट्यूब से सारा हवा निकाल लिया जाता है, उसको कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। ये बात पता है आप लोग को? यस सर। तो आप बताइए, वैक्यूम ट्यूब जब कर दिया जाता है तो क्यों ऐसा किया जाता है, नहीं करते तो क्या घाटा होता है? चलिए अनुराधा आप बोलिए। ऑब्स्टेकल हो जाता वो, और रिस्ट्रिक्ट हो जाता उसका फ्लो। अच्छा, तो यानी कि केमिस्ट्री में आप पहले पढ़े हैं कि सब वैक्यूम ट्यूब में रहता है सब एक्सपेरिमेंट, ये बात आप समझते हैं जरूर? यस सर। तो वैक्यूम बनाते हैं हम लोग इसमें क्यों, तो उसका रीजन समझ लीजिए। आप सही बोले हैं, लेकिन फिर से मैं बोल देता हूँ, ध्यान से समझिए, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन जो भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यही सब रहेगा, जो भी आप एक्सपेंड कीजिएगा, एनोड कैथोड जो भी है। अब इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास बहुत कम है, किसके सामने? हवा रहेगा, यहाँ क्या क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। तो ऑक्सीजन का मास जो होता है ना O2 का, वो कितना होता है, 32 ग्राम होता है, होता है ना, बहुत बड़ा है O2। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 32 होता है AMU में, और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास से 1837 टाइम्स क्या होता है, कम होता है। अब तो एक प्रोटॉन से इसका मास इलेक्ट्रॉन का इतना गुना कम है, और यह जो है प्रोटॉन से 32 गुना ज्यादा है, तो इसमें लगभग 32 से गुना कर दिएगा तो आपका 10,000 के आसपास तो आ ही जाएगा, 18 54 मतलब 54,000 के आसपास, यानी कि उतना बड़ा छोटा है। तो अब याद कीजिए जो कोलिजन पढ़ाए थे 11th क्लास में, उसको याद कीजिए। हम बताए थे कि अगर कोई हाथी हो इधर खड़ा और एक चींटी जाके उससे टकरा जाए तो क्या होगा, चींटी जिस रफ्तार से टकराएगी उसी रफ्तार से वापस, और हाथी को कुछ भी नहीं होगा। ये बात आप समझते हैं अच्छी तरह से कि नहीं समझते हैं? तो बात समझिए, तो यानी कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट में जब भी हवा रहेगा इस वैक्यूम सिस्टम में, तो ये एक्सपेरिमेंट सफल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये लाइटर पार्टिकल उससे कोलिजन करेगा, फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जितना भी जगह है सभी जगह क्या करते हैं, वैक्यूम ट्यूब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वैक्यूम ट्यूब, यानी कि जहां हवा नहीं हो तभी एक्सपेरिमेंट होता है। अब एक बात और समझ पाते हैं, वो बात समझिएगा। यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं तुरंत। हाँ बोलिए। तो ये वेलोसिटी सर जो प्लेट लिए हैं, एक बार वो फिर से बता दीजिएगा। फिर से ही बता रहे हैं, अभी उसकी बात कहाँ की है, खत्म। देखिए ध्यान से समझिएगा, हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे पोटेंशियल डिफरेंस, आने की पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ VSC नोट कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला पढ़ते थे, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, याद है डिफिनेशन पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक डिफिनेशन होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसी भी चार्ज को जब सर्टेन पोटेंशियल के अक्रॉस मूव करवाएंगे तो उसके द्वारा वर्क डन होता है, वही चीज आपको निकालना है। तो जब वर्क डन पर यूनिट चार्ज है तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ पर आखिर है क्या। तो और एक बात समझ लीजिए, यहाँ तो हवा नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है कि एनर्जी लॉस होगा, तो अब आप बताइए वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा, एक फॉर्मूला ये भी होगा क्यू आगोने पोटेंशियल डिफरेंस है लिखा हुआ, क्यू इंटू वी एस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन, और वर्क डन जो होगा तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव प्लेट लगा दिए हैं, अब ये पॉजिटिव प्लेट के चलते यह इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, चार्ज है चूंकि मूव करेगा, तो चार्ज है जो मूव करेगा, और यहाँ आपका इस वोल्टेज से मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी एस वोल्ट है, यानी कि यहाँ जो ये बैटरी का वोल्टेज लगाए हैं वो वी एस वोल्ट है, तो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचेगा तो इतना वर्क डन वो कर देगा। जब ये वर्क डन करेगा तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप लिख सकते हैं, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो लिखना है लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वर्क पावर एनर्जी वाला कंसेप्ट है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाइएगा तो यहाँ वर्क डन जो है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में,
यानी वर्कडन बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा वर्क हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और वर्कडन का फॉर्मूला हो गया क्यू अगुने वी एस। आप बताइए वोल्टेज को वी एस से हम इसलिए डिनोट कर रहे थे क्योंकि देखिए यहाँ वी से वेलोसिटी भी है, आप वी एस से वी से वोल्टेज भी रखते तो आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं हो जाता, इसलिए पहले ही शुरुआत में वी एस कर दिए थे। अब यहाँ से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका, वह स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए ये टू चला जाएगा ऊपर ट्वाइस क्यू इंटू वी एस बाई मास, ये हो जाएगा। या इसी को इलेक्ट्रॉन के रूप में अगर सिर्फ लिखना चाहते हैं तो आपको पता है टू ई इंटू वी एस होगा, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये हम किसी भी चार्ज के लिए लिख दिए, कोई अल्फा के लिए, सबके लिए है, जो एक्सेलरेट करवाइएगा उसके लिए होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कंसेप्ट से यानी कि ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन गन से, वो फॉर्मूला होगा अंडर रूट टू क्यू इंटू वी एस बाई मास। यानी कि अब बात समझने का देर नहीं करना है, यहाँ पर ये समझ लेना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, वोल्टेज जितना ज्यादा दिएगा और स्पीड उतना ज्यादा होगा। आप बात समझ आ गया प्रियांश, बोलिए जो पूछ रहे थे। यस सर। क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉपी पर ये वाला? देख लीजिए स्पीड ऑफ, नहीं लिखा हुआ है तो वहीं पर बगल में लिखिए ये फॉर्मूला को, स्पीड ऑफ गन वाला का फॉर्मूला का है ना, ये वाला लिख लीजिए। अगर नहीं लिखा हुआ है तो स्पीड ऑफ गन का फॉर्मूला जो होता है, लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लीजिए। देखिए ये है इलेक्ट्रॉन इमिशन में थर्मियोनिक इमिशन इस तरह से होता है, और तब इस इलेक्ट्रॉन गन का यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। अब बताइए कि यूज जब कर शुरुआती दौर में, जब हमारा साइंस जो है कम्युनिकेशन में शुरुआती दौर में था 1940-45 के आसपास, उस समय यही इलेक्ट्रॉन गन का यूज होता था आपका रेडियो में, फिर बाद में टेलीविजन बना उसमें, इसीलिए कम पहले पढ़े होंगे, बड़ा बड़ा सब डिवाइस होता था, थर्मोनिक इमिशन के चलते डिवाइस बड़ा हो जाता था, क्योंकि अगर 10 जगह थर्मोनिक इमिशन करवाना है तो 10 जगह ऐसा ऐसा हीटर लगाना पड़ेगा बड़का बड़का, क्योंकि ये सिस्टम हीटर वाला हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता था, ये डिवाइस बड़ा होता है, इसीलिए आप लोग पढ़े होंगे कि पहला कंप्यूटर बना था जो पूरे कहाँ रखा हुआ था, एक अपार्टमेंट में। उसका रीजन यही सब था कि उसके अंदर का जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था ना, वो बहुत बड़ा बड़ा था और एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम करता था और इफिशेंसी भी बहुत कम होता था। तो बात समझ लिए होंगे कि यहाँ पर जो है आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन गन क्या है। अब मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन कल्पना करवाना चाहते हैं, अगर वह वोल्टेज इलेक्ट्रॉन गन का जो इलेक्ट्रॉन गन में है, वोल्टेज कितना देना पड़ेगा, 10-20 लाख वोल्ट, बस मत दीजिए उतना, 10 वोल्ट दे के देखते हैं, कितना वोल्ट, 10 वोल्ट दे के देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कितना स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन का, 10 वोल्ट से मात्र, बहुत छोटा पोटेंशियल, आपके घर में 220 वोल्ट होता, हम 10 वोल्ट देंगे। तभी बराबर फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट टू, तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6×10⁻¹ कूलम। अब वोल्टेज 10 वोल्ट ले, यह स्टॉपिंग जो पोटेंशियल है उसको 10 वोल्ट ले रहे हैं, अब आई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1×10⁻³¹ kg, देख लीजिए। अब इस स्पीड को निकाल के हम ये देखना चाहते हैं कि कितना स्पीड हो सकता है, तो 3.2×9.1 16×32 सही हो गया, अब पावर में हो जाएगा 31 ऊपर चला जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ये 32 हो गया, तो कितना हो गया, ये 32 हो गया, अब मैं 19 घटा दीजिए, 32 में से 19 घटाइए तो क्या होगा, 13, 10^13 हो जाएगा, 1 10 इसमें ले आइएगा तो भी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 32/9.1 और 1×10⁶ बाहर निकल गया, देख रहे कितना हाई स्पीड है, 10⁶। यहां से देखिएगा तो 10 या 33 कम से कम होगा, यानी कि भी बराबर आ रहा है 1.8×10⁶ मीटर पर सेकेंड, देख रहे हैं ये स्पीड को,
कितना वोल्ट से सेट करवाए हैं? मात्र 10 वोल्ट से। तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड देखिए कितना है, इलेक्ट्रॉन के स्पीड को देखिए कितना स्पीड है, एक सेकेंड में दिल्ली पार कर जाएगा, 18,000 किलोमीटर जाएगा एक सेकेंड में, मतलब यहां से मुंबई 1800 किलोमीटर, सॉरी देख लीजिए है ना, एक सेकेंड में इतना स्पीड भाई है 10 वोल्ट से। तो बताइए, इसीलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन गन। एकदम छोटा वोल्टेज दिए तब इतना स्पीड में गया, और ज्यादा वोल्टेज दिए तो सोच लीजिए कितना होगा। लेकिन फिर भी हम इस इलेक्ट्रॉन को स्पीड ऑफ लाइट के पास नहीं पहुंचा सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के पास, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से नहीं फेंक सकते हैं। अब सोच लीजिए क्यों, देख लीजिए, क्योंकि उसके पहले ही फ्लाई कर जाता है, मतलब उतना जर की झेल ही नहीं पाता कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि ये लगभग स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच गया है, यानी इलेक्ट्रॉन गन से वेरी हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन निकलता। अब बताइए, उस इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा इलेक्ट्रॉन गन से, थर्मियोनिक इमिशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन गन से जब उसको एक्सेलरेशन दे देंगे, तो उसको रोकने के लिए क्या आप रोक लीजिएगा, कितना स्पीड है सोच सकते हैं आप, हाथ लगाए आपके हाथ को पार कर जाएगा, इतना हाई स्पीड है। तो रोकने के लिए क्या चाहिए, फिर अपोजिट में एक वोल्टेज चाहिए, जिसको नाम पड़ेगा बाद में चल के इसी चैप्टर में स्टॉपिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम देंगे, या इसी का नाम पड़ेगा कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज, आए बात समझ में, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज। तो इलेक्ट्रॉन गन आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इमिशन में इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, बात क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसके बाद हम लोग को जो इमिशन में पढ़ना है थर्मोनिक इमिशन के बाद, यहाँ पर उस बात को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है उसको समझिएगा अच्छे तरह से, तो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका, अब दूसरा जो है आपका एक फील्ड इमिशन था, फील्ड या इसी को कहते हैं कोल्ड इमिशन, फील्ड या कोल्ड इमिशन। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को पुल कर दिया जाता है, और उसमें क्या होता है ना कि आपका हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, वेरी हाई वोल्टेज की, यानी कि एक पॉजिटिव प्लेट ले लीजिए और एक निगेटिव प्लेट ले लीजिए, ठीक है, दोनों के अगर पास लाइएगा ना तो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से डायरेक्ट जंप कर जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और इसी इमिशन को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन जो होता है आप समझ जाइए क्यों होता है, उसका रीजन अगर समझना हो तो बहुत सिंपल है। एक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फार्मूला पढ़ाएंगे हम, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक फार्मूला होता है, फोर्स बराबर चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फार्मूला वोल्टेज बटा डिस्टेंस, यानी वोल्टेज का डिफरेंस बटा डिस्टेंस। देखिए वोल्टेज 5 वोल्ट रखिए, लेकिन डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच का घटाइएगा तब फोर्स बढ़ते चला जाता है चार्ज पर, और वही उसको पुल कर लेता है। और इसका एक्सपेरिमेंट आप सभी लोग पहले कर चुके हैं, कहिए कहाँ किए हैं, तो आपके घर में जो सर्किट होता है ना, जब उसमें चार्जर वगैरह डालते होंगे तो स्पार्क कभी करता होगा, या चार्जर से तो नहीं करता होगा लेकिन और हैवी वाला इंस्ट्रूमेंट जैसे आयरन हो, स्विच ऑन करके आप उसमें प्लग डालिएगा तो स्पार्किंग करता है, वह स्पार्किंग भी इसी का कंडीशन है। स्पार्किंग क्या करता है, डालते समय या निकालते समय, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा स्पार्क करते रहता है, तो जो स्पार्क करता है ना और लाइट निकलता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन इमिशन ही होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव की ओर हवा में मूव करने लगता है, इसीलिए वैसा स्पार्क आता है। या रोड पर कहीं कहीं कभी देखे हो, कभी कभी ऐसे वहां तार बहुत दूर लगा रहता है, जब तार पास आ जाता है ना तो एक दूसरे में क्या होता है, स्पार्किंग होने लगता है, लाइन पार करने लगता है डायरेक्ट हवा में, उसी को कहते हैं फील्ड या कोल्ड इमिशन। लेकिन उसके लिए वेरी हाई वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज फील्ड इमिशन या कोल्ड इमिशन। यानी अगर एक पॉइंट लिखना है तो सबसे आसान यही पॉइंट होगा, इमिशन
ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज क्या? फील्ड या कोल्ड इमिशन. फील्ड या कोल्ड इमिशन, ये बहुत सिंपल है, इसका ज्यादा कोई यूज नहीं है अभी, है ना. तीसरा जो है सेकेंडरी इमिशन है. सेकेंडरी इमिशन है क्या है? सेकेंडरी इमिशन है. तो देखिए सेकेंडरी इमिशन क्या है, उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से. सेकेंडरी इमिशन, तो सेकेंडरी इमिशन की अगर बात करते हैं तो बात को समझने की कोशिश कीजिए अच्छी तरह से. सेकेंडरी इमिशन क्या होगा? तो सेकेंडरी इमिशन मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी इमिशन की बात कर रहे हैं हम लोग. अब हम लोग क्या करेंगे, एक लेंगे एटम का सरफेस, या कोई ले लेते हैं एक एटम ही ले लेते हैं. अब एक इलेक्ट्रॉन जो है हाई स्पीड में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है हाई वेलोसिटी के साथ आ रहा है. तो कहिए सर इलेक्ट्रॉन आपको हाई वेलोसिटी कौन देगा? तो अभी तो पढ़े इलेक्ट्रॉन गन, उससे वेरी हाई स्पीड में कर दिए. इलेक्ट्रॉन वहां इमिट हुआ था केवल, स्पीड कौन दिया? वोल्टेज. अब वेरी हाई स्पीड के बाद इसके पास एनर्जी बढ़ गया इलेक्ट्रॉन के साथ. अब इसको इस पर बम्बार्डमेंट करवा दीजिए. तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें घूम रहा है चारों तरफ, इस ऑर्बिट में घूम रहा है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है, सब ऑर्बिट में घूम रहा है, बहुत सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तेजी से. अब यह इलेक्ट्रॉन जा करके यहाँ बगल वाले इलेक्ट्रॉन को मार दिया धक्का, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, अपने भी फेंका दिया और इलेक्ट्रॉन को कर दिया इधर, यानी वहां से इलेक्ट्रॉन हो गया आपका पास, यानी इलेक्ट्रॉन जो हो गया वहां से निकल गया बाहर इसके कोलिजन के कारण. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कोलिजन होता है वो 100% इलास्टिक कोलिजन होता है. 100% क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है. तो इलेक्ट्रॉन हो गया बाहर, तो इसी घटना को सेकेंडरी इमिशन कहते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में रहने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका सेकेंडरी इमिशन कहते हैं. और जानते हैं सेकेंडरी इमिशन के बाद क्या क्या होगा घटना, आप सोच भी नहीं सकते हैं. अगर ये हैवी मेटल है, जैसे निकल है, निकल वगैरह है, हैवी मेटल है, तो हैवी मेटल जब रहेगा और उसके इनर मोस्ट ऑर्बिट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो याद कीजिए अफवाह प्रिंसिपल को, इलेक्ट्रॉन नीचे से फुलफिल होता है, ऊपर से नहीं फुलफिल होता है. यानी कि पहले पहला ऑर्बिटल भरेगा 1s जिसको कहते हैं, तब 2s2p और बीच से खाली कर दिए हैं. तो खाली हो गया तो इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप मारेगा, इधर वाला इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा. तो अब ये जंप जब मारने लगेगा तो क्या होगा, आपाधापी होगा एकदम तेजी से, जिसको मन तीसको जिधर तिधर भागेगा. तो हायर ऑर्बिट से अगर ये इलेक्ट्रॉन तो कोलिजन के कारण बाहर निकल गया, अब यहाँ का हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, जंप मारेगा. तो आपको केमिस्ट्री पढ़े हैं या हम पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप मारता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है इन द टर्म ऑफ फोटोन. तो इन द टर्म ऑफ फोटोन जब एनर्जी रिलीज करेगा तो डेल ई का जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो hc/λ होगा या hν होगा. जब ये एनर्जी रिलीज करेगा सेकेंडरी इमिशन के बाद, सेकेंडरी इमिशन हो जाने के बाद एनर्जी रिलीज होना शुरुआत हो जाएगा. अगर लाइटर मेटल है जैसे हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में आप देखिए यहाँ पर जो है आपका, हम लोग देख रहे थे कि एनर्जी जो रिलीज होगा वह hc/λ hν के बराबर होगा. और अगर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है ना, तो विजिबल रीजन का होता है, अल्ट्रा वायलेट का होता है और इंफ्रारेड का, क्योंकि उसमें जो है एनर्जी का लेवल जो होता है कम होता है. क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत तो याद होगा, -13.6 Z²/n². अगर आपका जेड का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ जाएगा, जैसे हाइड्रोजन में 1 होता है, अब हीलियम में 2 होगा तो उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा. तो हैवी मेटल में तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा. इस तरह से जब एनर्जी रिलीज होगा तो एक्सरे का प्रोडक्शन भी यहां होगा. यानी सेकेंडरी इमिशन में से आप एक्सरे वगैरह भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसी से एक्सरे का प्रोडक्शन भी होता है. यानी कहने का मेरा मतलब हो गया कि सेकेंडरी इमिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बस सोच लीजिए, यानी कि इस तरह से आप बहुत सारा फेनोमेना आप डेवलप कर सकते हैं जो
क्लियरली आप समझ रहे होंगे कि यहां से एक्सरे का अगर प्रोडक्शन करवाना है तो हैवी मेटल पर आपका हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट करवाइए। अगर वो आपका यहाँ पर कॉलिजन अंदर वाले इनर मोस्ट को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, अंदर वाले इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल दिया तो फर्दर जो इमिशन होगा वो आपका एक्सरे में जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी गारंटी है कि अंदर वाला निकालेगा, बाहर वाला भी निकाल सकता है, कहीं से भी निकाल सकता है। तो ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन ये निकालने लगेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक्सरे चाहिए तो यहाँ से ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन लगा रहा हूँ, आप फिल्टर लगा दीजिए कि सिर्फ एक्सरे पार करे उससे, बाकी को ब्लॉक कर दीजिए, तो आप उस एक्सरे मशीन में इसको यूज कीजिए। आने की समझ लीजिए साइंस में डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है, उस फेनोमेना को समझने की कोशिश कीजिए। यह है आपका सेकेंडरी मिशन। इसके बाद इसमें कोई अगर डाउट है आप लोगों को तो बोलिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की बात करें। किसकी बात करेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं, बाकी फिर इलेबोरेट में तो पढ़ेंगे ही हम लोग, देख लीजिए ध्यान से। और एक बात और बताना चाहते हैं, अगले क्लास से आपका जो क्लास चलेगा कोई भी ले निकल सकता है। हाँ, क्योंकि आपको कहीं से भी तो इलेक्ट्रॉन टकरा के निकलेगा ना, इनर मोस्ट से निकलेगा, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो एक्सरे तक पहुंचा दीजिएगा। एक्सरे के नीचे नहीं जाएगा, गामा रे सब नहीं जाएगा, एक्सरे तक नीचे जाएगा, उसके ऊपर वाला सब जो भी आप इंफ्रारेड वगैरह सब ध्यान निकलेगा, विजुअल निकलेगा ही, अल्ट्रावायलेट निकलेगा ही, रेड बैरन बहुत तरह का आप कलर निकाल सकते हैं, है ना। मरकरी में क्या होता है, मरकरी जो आप ट्यूब लाइट जलाते हैं उसमें इसी फेनोमेना से लाइट निकलता है। मरकरी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, आपके घर में जो ट्यूब लाइट लगा हुआ है उसका बिल्कुल अलग है आपके फिलामेंट वाला बल्ब से और आपका एलईडी बल्ब से, लाइट इमिटिंग डायोड वाले बल्ब से भी अलग है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, लास्ट में जो बचा है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो लास्ट में चौथा जो बचा है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसका तो पूरा टॉपिक में ही हमको डिस्कशन करना है, इसलिए यहाँ सिर्फ छोटा सा टर्म समझ लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, वही काम है ना कि हाई स्पीड में लाइट आए, लाइट आ रहा है और वो लाइट इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करने के बाद इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो मीन्स लाइट होता है, यानी फोटोन होता है, लाइट या फोटोन यहाँ लिख लीजिए, है ना। और उससे जो इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा, लाइट के कारण जो इलेक्ट्रॉन इमिश हो जाएगा टकराने के बाद, इस फिनोमेना को, इस घटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहेंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हमको पूरे विस्तार से पढ़ना है इसमें, इसलिए क्योंकि इसके पहले सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ाएंगे डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस अभी, है ना, और उसके बाद फिर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अगले क्लास में इसका पूरा डिस्कशन करेंगे। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी हम लोग फिर वहां देखेंगे। अब इसके बाद एक है डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगलाई हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस क्या है? तो देखिए, आप समझ लीजिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन था उसको हर्ज ने सबसे पहले देखा था, विजुलाइजेशन किया था, यानी जिसको कह सकते हैं खोजा था। लेकिन उस समय जो था आपका, लाइट को सिर्फ लोग वेव मानते थे, पार्टिकल नहीं मानते थे, और वेव किसी पार्टिकल को धक्का नहीं दे सकता है, ये कंसेप्ट था। उसी समय, उसी मतलब 2-4-10 साल के अंतराल में डी ब्रोगली नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया। तब उसने दिमाग लगाया, थोड़ा बहुत सोचा कि जरूर इसमें दोनों तरह का प्रॉपर्टीज होता होगा। दोनों तरह का प्रॉपर्टीज होने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है डी ब्रॉग्ली में हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में आ जाए तो वो दो तरह का प्रॉपर्टीज शो करेगा, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। यानी कि मूविंग पार्टिकल, यानी कि आप लिख सकते हैं सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉग्ली मूविंग पार्टिकल हैव बोथ टाइप ऑफ नेचर
फर्स्ट में पार्टिकल नेचर और सेकंड में वेव नेचर। यानी पार्टिकल नेचर क्या होता है, वेव नेचर क्या होता है? तो पार्टिकल मतलब पेन, पेन से धक्का देंगे तो आपको कैसा अनुभव होगा, दिस इज द पार्टिकल नेचर। और लाइट आप पर आके टकरा रहा है उसका नेचर क्या है, दोनों का नेचर अलग है, वही यहाँ दोनों शो करेगा। और तब यहाँ पर डी ब्रोगली ने दिया, यानी कि और जो पार्टिकल मूव करता है ना उसके थ्रू जो वेव इमिट होता है उसको वेव मैटर भी कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझ लीजिए ध्यान से। मूविंग पार्टिकल हैव क्या, मूविंग पार्टिकल इमिट वेव लिख सकते हैं, इमिट वेव ऑफ वेवलेंथ कितना, लैम्डा बराबर फार्मूला दिया गया एच बाई पी से या एच बाई एम वी से, ये फार्मूला दिया गया था। इसी को डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कहते हैं, इसको मैटर वेव या डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, यानी इसी को कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ भी इसी को कहते हैं वेवलेंथ। ये कब डेवलप होगा, जब पार्टिकल मोशन में रहेगा तभी डेवलप होगा, और एच बाई पी और एच बाई एम भी। एच जहां क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अब थोड़ा सा और बात समझ लेते हैं अच्छी तरह से, क्या बात समझ लेते हैं कि आपको पता होगा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेशंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लिनियर मोमेंटम, ये फार्मूला आपको पता है। और नहीं पता है तो अभी बता देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इसको मास से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दीजिएगा तो एम वी का होल स्क्वायर हो जाएगा और बाई टू एम हो जाएगा, देख लीजिए एम वी का होल स्क्वायर बाई टू एम हो जाएगा, और एम गुने भी मोमेंटम होता है, इसलिए पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट टू एम के हो जाएगा। और अभी अभी इलेक्ट्रॉन गन में पढ़े थे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो होता है, अभी अभी पढ़े थे ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है क्यू गुने वी एस होता है, चार्ज गुने पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। अभी अभी पढ़े हम लोग इलेक्ट्रॉन गन वाला में कंसेप्ट को सीख रहे थे, तब तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा एच बाई पी, एच बाई एम भी, एच बाई अंडर रूट टू एम के, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला टू एम के है, यहाँ पर एच बाई अंडर रूट टू एम के हो जाएगा। और भी फॉर्मूला हो जाएगा, एच बाई क्या होगा अंडर रूट टू एम, और के बदले आप लिख सकते हैं क्यू गुने वी एस, क्या हो लिख सकते हैं क्यू इंटू वी एस। तो ये चारों फार्मूला जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ का आपको याद होना चाहिए, चारों फार्मूला हर हाल में आप सोच लीजिए और समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से और बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो बात को समझने की कोशिश कीजिए, यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो हमको बतलाइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ में चारों फॉर्मूला याद होना चाहिए, चारों कंसेप्ट याद होना चाहिए, और इसमें ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है, एक ही फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला आया है, इस बात को भी समझ सकते हैं, क्योंकि अब एक क्वेश्चन देंगे आपको इसीलिए हम बोल रहे हैं, तो इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उस क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन देंगे, फॉर्मूला भी रहने देते हैं आपके पास, क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन ये है हाइन डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड by potential difference 100 volt। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, आप लोग बना करके जल्दी से मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए।
ठीक है, फार्मूला देखिए पता है, वेवलेंथ निकालना है, ये वोल्टेज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है, गुना भाग करके आपको भेजना है। फास्ट में एकदम देखिए, हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को बनेगा कैसे। तो आप लोग भी बना के भेजे हैं जो सही ही हैं, लेकिन हम भी फिर से बता देते हैं, है ना, एक आध गो का गलत है। तो लैम्डा बराबर आप फॉर्मूला यूज करेंगे एच बाई अंडर रूट टू एम क्यू इंटू वी एस, एच होता है 6.626 गुणे 10^-34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में लिखेंगे दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणे 10^-31 और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10^-19 है ना, और वोल्टेज जो है आपका 10 वोल्ट है। तो जरा गौर कीजिए, इस सब को गुणा करने में कितना टाइम लगेगा, रूट निकालने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम आपको चार ट्रिक बता रहे हैं, लेमडा इलेक्ट्रॉन के लिए बनाना हो तो डायरेक्ट कैसे बनाइएगा, 12.27 गुणे 10^-10 बाय रूट अंडर वोल्टेज सिर्फ लगा दीजिएगा, आपका आंसर फट से आ जाएगा। इसको याद करने से क्या होगा, सिर्फ 10 यहां रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। 10 वोल्ट दिए थे कि 100 वोल्ट दिए थे, 100 वोल्ट देंगे तो 10 आएगा बाहर, 1.227 आ जाएगा डायरेक्ट आपका। अगर यहाँ 100 रखते हैं तो नहीं आ जाएगा। उसी तरह से आपका चार पार्टिकल के बारे में पढ़ना है, लेमडा प्रोटोन, लेमडा डिटोन और लेमडा अल्फा पार्टिकल के लिए। चार ही पार्टिकल सिलेक्शन घूमते ही रहता है, और जरा याद कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, 2021 में क्वेश्चन आया, 21 जुलाई को जो एग्जाम हुआ 3 दिन पहले, जेई मेन वाला, यही वाला क्वेश्चन सोच लीजिए डायरेक्ट आया है। तो कहने का मतलब आप ये बात समझ लीजिए कि क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो यहाँ का जो होता है फॉर्मूला 0.286 आता है गुना भाग करके, इंटू 10^-10 मीटर में तो होगा ही, रूट अंडर वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पर। इसके लिए होता है ड्यूट्रॉन के लिए होता है 0.202 इंटू 10^-10 होता है, रूट अंडर वोल्टेज कर लीजिएगा, और अल्फा पार्टी के लिए 0.101 इंटू 10^-10 होता है बाय रूट अंडर वोल्टेज। आप बताइए, अगर इसको लर्न कर लीजिएगा तो आपको फायदा नहीं होगा क्या? जबरदस्त फायदा होगा, क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना लेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक, कोई प्रॉब्लम है बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए। और हम बोले थे कि असाइनमेंट ले लेना है, अब असाइनमेंट देखिए, असाइनमेंट लेके बैठे हैं आप लोग, देखिए सबसे पहले असाइनमेंट में देखिए आपका जो होगा वेव, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक लिखा हुआ होगा, फोटो इलेक्ट्रिक वाला नहीं बनाना है, 5 नंबर पेज से बनाना है। 5 नंबर पेज से जो असाइनमेंट में है उसमें होगा आपका डी ब्रोगली के कंसेप्ट से, तो उसमें मात्र होगा 27 कॉलम, वो टोटल बना लेना है, अगले क्लास में उसका हम डिस्कशन करेंगे, यानी परसों तो संडे है, सोमवार को, बात समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसका डिस्कशन होगा, उसको बना लेना है।